एटा जिले की अलीगंज विधानसभा का सियासी हाल देखिए, कौन बनेगा 2022 में सियासी सिकंदर। अलीगंज सीट से किसे मिलेगी इस बार जीत? क्या सपा फिर से जीत पाएगी विधानसभा सीट? बीएसपी के लिए क्या है स्थानीय आवाम के संकेत? बीजेपी को लेकर क्या कहती है स्थानीय आवाम? देखिए अलीगंज विधानसभा का पूरा सियासी गणित। जिला पंचायत चुनावों से लेकर अब तक एटा जिले की अलीगंज विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2022 की रणभेरी बन चुकी है और सियासी गणित बिठाने का दौर विधानसभा सीट पर चल रहा है। 2002 से लेकर अब तक के चुनावों पर अगर नजर डालें तो सपा की लोकप्रियता दिखती है, लेकिन 2017 में सपा की लोकप्रियता को झटका भी लगा था। ऐसे में अब 2022 चुनाव नजदीक हैं तो देखते हैं कि किसका पासा फिट बैठने के आसार हैं, और सियासी गणित को समझने के लिए पुराने सियासी इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2002 में सपा और बीएसपी में मुकाबला दिखा था। सपा के उम्मीदवार रामेश्वर सिंह यादव ने बीएसपी को हराया था। बीएसपी के सत्यपाल सिंह कांटे की टक्कर में सपा से हार गए थे। 2002 में आरटीकेपी के उम्मीदवार अशोक रतन तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि चौथे स्थान पर बीजेपी के चंद्र प्रताप सिंह यादव रहे थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में फिर से सपा और बीएसपी में टक्कर दिखी, लेकिन 2007 में बीएसपी ने सपा को करारी शिकस्त दी। बीएसपी के अवधपाल सिंह यादव 2007 में अलीगंज के विधायक बने। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। जो बीजेपी 2002 में चौथे स्थान पर थी वो 2007 में तीसरे स्थान पर आ गई, जबकि 2007 में कांग्रेस के उम्मीदवार उदयवीर सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। विधानसभा चुनाव 2012 में सपा और बीएसपी एक बार फिर आमने सामने दिखे, लेकिन सपा ने फिर वापसी की और रामेश्वर सिंह विधायक चुने गए। बीएसपी की उम्मीदवार संघमित्र मौर्य को 2007 में हार का सामना करना पड़ा। 2012 में बीजेपी अलीगंज विधानसभा सीट पर रेस से बाहर दिखाई दी थी, जबकि बीजेपी की जगह जेएकेपी के उम्मीदवार नीरज किशोर रहे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रज्जन पाल चौथे स्थान पर रहे थे। 2017 में फिर से सियासी समीकरण बदले दिखे। हर बार रेस से बाहर रहने वाली बीजेपी ने मजबूत दावेदारी पेश की। दो बार जीत दर्ज कर चुकी सपा को अलीगंज सीट पर हार का सामना करना पड़ा। सपा उम्मीदवार रामेश्वर सिंह यादव को बीजेपी उम्मीदवार ने हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह राठौर ने 2017 में जीत दर्ज की। जीत के इंतजार में पसीज रही बीजेपी को 2017 में खाता खोलने का मौका मिला, लेकिन अब सियासी गणित फिर से बदलता दिखाई दे रहा है और किसान आंदोलन के अलावा कोरोना काल की समस्याएं हावी दिखाई दे रही हैं। अलीगंज विधानसभा सीट के पुराने नतीजे देखें तो आवाम यहां पर प्रयोगात्मक दिखी है और सबसे ज्यादा सपा के साथ दिखी है, लेकिन इस बार सपा के साथ आवाम हमदर्दी में तो है, साथ ही दुविधा उम्मीदवार को लेकर भी है। अब देखना यह है कि सपा किसे मैदान में उतारती है और आवाम उस उम्मीदवार पर कितना भरोसा कर पाती है। फिलहाल सियासी समीकरणों की बात करें तो हालात कुछ हद तक सपा के साथ हैं, लेकिन बीजेपी भी मुख्य मुकाबले में बराबर की दावेदार है। बीजेपी जीती हुई सीट को हाथ से आसानी से तो नहीं जाने देगी, जिसके लिए पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है और सपा वापसी का जोर लगा रही है। देखना यह है कि आवाम किसके हक में फैसला सुनाती है और चुनावी नतीजे क्या निकल कर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।